दोस्तों, ये जो नींद है ना, ये कभी आए या मत आए, लेकिन पढ़ने के टाइम पे जरूर आती है। ऊपर से एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसे नींद को भगाएं और अच्छे मार्क्स लाएं। स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सॉल्विंग गुरु जी में। मैं आपका दोस्त कमलेश, लेट्स डू इट। दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और हम सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसको सही तरीके से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पहला टिप्स है 30-50 का प्रिंसिपल। दोस्तों, 30-50 का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने किसी टॉपिक को 30 मिनट से कम पढ़ाई किया तो हमारा दिमाग उसको फोकस नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लेकिन उसी टॉपिक को अगर हमने 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई कर लिया तो हमारा दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो दोस्तों, वो पढ़ाई फिर कैसे करनी है, हमको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम टेबल में सबसे पहले हमको हार्ड सब्जेक्ट रखना है। उस हार्ड सब्जेक्ट को आपको 30 से 50 मिनट तक पढ़ाई करना है। 30 से 50 मिनट तक पढ़ाई करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई सॉन्ग सुन लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, कोई छोटा मोटा प्ले कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, उसके बीच में मोबाइल के पास नहीं जाना आपको, क्योंकि मोबाइल के पास अगर आप जाएंगे तो आपका 5 से 10 मिनट जो ब्रेक है ये 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो क्योंकि इस टाइम पर आपका एक एक मिनट कीमती है। जब आपका ब्रेक खत्म हो जाए तो वापस आप ईजी सब्जेक्ट को ले लें और उस ईजी सब्जेक्ट को फिर से 30 से 50 मिनट तक स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद फिर से आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस तरीके से आप अपने टाइम को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आपका दिमाग सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएगा, लर्न कर पाएगा आपके स्टडी को। दोस्तों, दूसरा टिप्स, लिखो पढ़ो। दोस्तों, आजकल सबको एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है, लिखने में कौन टाइम वेस्ट करे। दोस्तों, लिखना टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम सेविंग है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो एक लाइन में आप तुरंत लिख देंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन का आंसर पूरा पैराग्राफ में लिखना हो तो आपके दिमाग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैराग्राफ लिखने के लिए ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो आपका दिमाग फोकस रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा और स्टडी को ज़्यादा स्टडी करेगा जिससे आप पूरा पैराग्राफ लिख सकें। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और लिखने का एक और फ़ायदा है कि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवाइज कर लेंगे, रिविज़न में आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। दोस्तों, एक स्टडी बताती है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका केवल 10% चीज़ ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है, बाकी 90% नहीं होता। लेकिन अगर हम उस टॉपिक को पढ़ने के बाद लिखते भी हैं और साथ में बोल बोल के पढ़ते भी हैं तो हमारा उसकी टॉपिक 70% तक हमारा दिमाग कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम पर 3 तरह से काम कर रहा होता है, एक सोचने का काम, दूसरा लिखने का काम, और तीसरा सुनने का काम। इस तरीके से हमारी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे लेवल पहुंच जाती है और हमारा जो कॉन्सेप्ट हो उस टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाता है। दोस्तों, तीसरा टॉपिक, सब्जेक्ट हिसाब से पढ़ना। दोस्तों, आपने देखा होगा क्लास में हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, एक तरीके से कोई टीचर नहीं पढ़ाता, क्योंकि अगर टीचर एक तरीके से पढ़ाने लगे तो हम बोर हो जाएंगे, हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार देखने से हम बोर हो जाते हैं। तो उसी तरीके जब हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेगा। उदाहरण के लिए मैथ्स को हमें रटना नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हम लोगों के जो मैथ्स को रटते हैं, तो रटने से उसका कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स को हम तैयार कैसे कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट से। अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हों तो चाहे क्वेश्चन किसी भी बुक से आ जाए, कहीं से आ जाए, हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को लिख लिख के याद कर सकते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शंस को लिख लिख के याद कर लेंगे, हमारा चीज़ें क्लियर रहेंगे रिएक्शन, तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से सॉल्व कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में हम बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गेन्स हैं उनके पिक्चर से उनके फंक्शंस को हम मैप दिमाग में मैप कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन का बायोलॉजी से रिलेटेड आएगा तब जब हमारे दिमाग में उसकी मैपिंग रहेगी, जब मैपिंग रहेगी तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक ऐसे ही इंग्लिश में हम फॉर्मेट्स को तैयार कर सकते हैं कि हमें ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, अप्लीकेशन कैसे लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है। एक बार हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे हमारे बाकी सब्जेक्ट में भी सेंटेंस लिखने की जो फॉर्मेशन होती है उसको आसानी से हम कर लेंगे। दोस्तों, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। दोस्तों, चौथा टिप्स, नेट प्रैक्टिस। दोस्तों, जिस तरीके से क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाने से पहले नेट में प्रैक्टिस करता है,
स्पिन बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग की, स्लो बॉल की, बाउंसर की, उसी तरीके से हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। ये तैयारी नेट में नहीं होती, ये तैयारी होती है स्टडी टेबल पे। हमें क्या करना है कि पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और उनको सॉल्व करना है, एज अ मॉक टेस्ट देना है। लेकिन मॉक टेस्ट ऐसा लगे कि आप रियल पेपर दे रहे हैं, ये नहीं आपके दिमाग को लगना चाहिए कि केवल ये मॉक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह दीजिए। हर मॉक टेस्ट का नंबर जो है अपने सामने दीवार पर लगा दीजिए और कोशिश करिए कि जब अगला मॉक टेस्ट आप दें तो नंबर हमारे उससे ज़्यादा आए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। आपको अपना एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। तब आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे विद इन टाइम। दोस्तों, पांचवा टिप्स, बैठ के पढ़ें। दोस्तों, हमारा दिमाग क्या है, बहुत चंचल है। हम जिस अवस्था में होते हैं हमारा दिमाग वैसे ही बिहेव करने लगता है। दोस्तों, हमेशा अधिकतर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बेड पर चले जाते हैं और लेट जाते हैं, लेट के पढ़ाई करते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये क्या करता है, जब लेटते हैं तो हमें आराम फील कराता है, और जब लेट के पढ़ते पढ़ते हम कब अपनी अवस्था चेंज करते हैं और कब हम सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो हमें ये नहीं करना, हमें पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पे जाना है, स्टडी टेबल पे बैठना है। स्टडी टेबल पर बैठने का मतलब ये नहीं कि आपको टेबल पे बैठना है, स्टडी जो टेबल चेयर होती है पढ़ने के लिए वहाँ पे बैठना है। जब वहाँ पर आप बैठेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ये याद दिलाएगा कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग फोकस रहेगा, हम पढ़ाई में स्टडी में ध्यान लगा पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी आप अपनी स्टडी टेबल पर ही जाएं, बेड पे मत जाएं। दोस्तों, छठा टिप्स, पॉइंट वाइज आंसर। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि किसी सवाल का जवाब अगर हम पॉइंट वाइज देते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। अगर उसी सवाल का जवाब अगर हमने एक पैराग्राफ में लिख के दिया है तो बहुत लेंदी और बोरिंग लगता है, एग्जामिनर कई बार उसको पढ़ते भी नहीं है और ऐसे चेक कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप आंसर पॉइंट वाइज दें और शब्दों के बीच में कम से कम आप एक उंगली के आसपास दूरी रखें, जिससे सब जो आसानी से एग्जामिनर पढ़ पाए। नहीं तो हमारे शब्द आपस में मिल जाते हैं लिखते टाइम पे और एग्जामिनर पढ़ नहीं पाता, वहीं हमारे मार्क्स जो है कट जाते हैं। साथ में कॉपी के दोनों साइड में आप लाइनिंग खींचें, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छा आएगा। जब प्रेजेंटेशन अच्छा आएगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मज़ा आएगा, और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने में मज़ा आएगा तो आपका तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे वो तैयारी कर रहा है उसको हेल्प मिल सके और अच्छे नंबर ला सके। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।